हेलो माई सर, डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेरियपाइकल एब्सेस। जितने भी लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे दांत के ठीक नीचे मसूड़ा फूल गया है, या हमारे दांतों में से खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है, या हमारे दांतों के नीचे एक पिंपल हो गया है जो बिल्कुल सफ़ेद कलर का सा डॉट है, हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है या हम घर पर खुद से भी इसको ठीक कर सकते हैं, या ये सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकता है, ये इसके होने के कारण क्या है, इसको हम किस तरीके से पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इन कंप्लीट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेरियपाइकल एब्सेस की। ये पेरियपाइकल एब्सेस आखिर है क्या? आपके ठीक दांत के नीचे का मसूड़ा क्यों फूलता है? आपके सारे मसूड़े में कोई सूजन नहीं है, पर दांत के ठीक नीचे का मसूड़ा फूलता है। इसका सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी गम डिजीजेज नहीं है, ये आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये टूथ की वजह से हुई है, यानी आपके मसूड़ों की दिक्कत नहीं है, ये आपकी दांत की प्रॉब्लम है। और ये दांत की प्रॉब्लम क्यों होती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, दांत का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें कहीं पे आपके सड़न लग गई और आपने सही टाइम पे इलाज नहीं करवाया, क्योंकि आपको उस समय दर्द नहीं हुआ, कुछ सेंसिटिविटी नहीं हुई, आपको महसूस नहीं हुआ कि हमें उस दांत का इलाज करवाना चाहिए। बट क्या होता है कि आप लोगों को उस चीज़ का एहसास नहीं होता, बट बैक्टीरिया अंदर ही अंदर अपना काम करते रहते हैं, दांतों को और सड़ाते रहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा सड़न लगनी शुरू हो जाती है, और यही सड़न धीरे धीरे दांतों की नसों तक पहुंच जाती है, जहाँ पे होके आपको दर्द होता है। बट यहाँ पे भी कुछ पेशेंट को इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, या फिर इस समय वो दवाइयाँ ले लेते हैं जिस वजह से उनका जो दर्द है वो कुछ टाइम के लिए दब जाता है। बट दर्द खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से किससे सॉल्व हो गई है। जो बैक्टीरियाज हैं वो अंदर अपना अपना काम करते रहते हैं और धीरे धीरे नसों को भी पूरी तरीके से सड़ा देते हैं। जैसे ही वो नसों को कंप्लीट सड़ाने के बाद में क्या होता है कि जो दांतों की जो जड़ें होती हैं उसके नीचे इन्फेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं और उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होने शुरू हो जाती है। अगर उस समय आप इसे ठीक नहीं कराते हो तो धीरे धीरे आपके जो दांत के ठीक नीचे का मसूड़ा है उसमें सूज जाता है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया क्या है धीरे धीरे करके आपकी हड्डी को भी खाना शुरू कर देते हैं, उसको भी गलाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर एक मवाद बन जाती है जिसको हम नॉर्मली पस फॉर्मेशन भी कहते हैं, तो वैसा बन जाता है, और जिसकी वजह से आपके दांत के ठीक नीचे आपको सूजन महसूस होती है। कई बार क्या होता है कि मवाद इतनी ज़्यादा बन गई है कि वो सूजन कई बार फैल जाती है, और कुछ लोगों के साथ होता है कि वो पिंपल की तरह वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। वो क्या करता है कि आपके दांतों के नीचे जो मवाद बनी है वो अपने निकलने का रास्ता अपने आपके मसूड़ों में से ढूंढ लेता है, जिससे आपके पिंपल्स के थ्रू वो निकलता रहता है, और उसी की वजह से आपको आपके मुँह में खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। वो एक तरीके का बैक्टीरियल फॉर्मेशन है, या फिर आपके क्या होता है कि वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो गया जो निकल रहा है, और पस का जो टेस्ट होता है वो हल्का खट्टा खट्टा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। क्या आप सिर्फ मेडिसिन लेके इसे ठीक कर सकते हो? तो ऐसा कभी नहीं होता है, आपको इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना होता है। कभी या कभी आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हो तो क्या होता है, ये आसपास के दांतों को भी बहुत तरीके से ख़राब करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब एक बार मवाद बन गई है तो ये कभी भी अपने आप ठीक नहीं होती है, ना कि सिर्फ दवाइयों से ये मवाद ठीक होती है। कुछ लोग इस समय क्या करते हैं कि दवाइयाँ ले लेते हैं, उनको लगता है कि दवाइयों से हमारी मवाद सूख जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है, दब जाता है, बट वो अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा होता है और फिर वो कोई बड़ा रूप लेके हमारे सामने आता है। तो इस समय आपको अपना इलाज करवा लेना चाहिए, और इसका इलाज क्या रहता है, इसका इलाज बहुत सिंपल है कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके दांतों में टूथ एब्सेस हो गया, यानी पेरियपाइकल एब्सेस आपको हो गया? अगर आपके दांतों के नीचे आपको सूजन दिखाई दे रही है, या फिर आप जैसे ही उस दांत को चबाते हैं तो आपको पेन महसूस होता है, या फिर आपको दांत थोड़ा थोड़ा ढीला लगने लग गया है, या फिर दांत हिलना लग गया है, या फिर आपको दर्द होता है वो चटके चलने वाला दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे मवाद बननी शुरू हो गई है। अब इस दांत को ठीक तभी किया जा सकता है जब इसके नीचे की मवाद पूरी तरीके से निकाल दी जाए, और उसे निकालने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं यानी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो इसमें से मवाद को निकालते हैं RCT के प्रोसेस के थ्रू। तो आपकी जो मवाद है उसको निकाल दिया जाता है, इसके साथ में आपको मवाद सूखने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं।
इसके साथ में वो दवाइयाँ अपना काम करती हैं और साथ ही मवाद जो होते हैं वो डेंटिस्ट निकाल देते हैं और आपकी नसों को पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर देते हैं, जिसके बाद में मवाद वापस नहीं बनती हैं। अगर कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं कि काफ़ी टाइम तक ध्यान नहीं दिया है, मवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दांत बहुत ढीला हो गया है, तो उस समय उस दांत को निकालना पड़ता है। और उसी के साथ में आसपास के अगर दांतों तक मवाद चली गई है तो उन दांतों की भी आपको RCT करवानी पड़ती है, उसके बाद में नए दांत लगवाने पड़ते हैं, या फिर वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि RCT करवा के कैप लगा सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है अगर इसको आप सही टाइम पर इलाज करवाएँ। काफ़ी लोगों का मानना ये भी होता है कि इस इलाज में थोड़ा खर्चा आता है तो इसलिए वो इस इलाज को अवॉइड कर देते हैं या इस इलाज को नहीं करवाते हैं। बट आपके अगर दांतों में थोड़ी बहुत भी सड़न लगी है और आप उसको उस समय इग्नोर ना करके अगर इलाज करवा लेते हैं तो आपका जो खर्चा है वो भी बहुत कम हो जाता है और सिर्फ आपकी मसाला भर के आपका काम चल सकता है। बट आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, अब मवाद बन गई है तो उसको आपको ठीक कराना पड़ता है, और आपका अगर मवाद को ठीक नहीं कराते हो तो कई बार क्या होता है कि दांतों के नीचे की जो हड्डी है वो बहुत ज़्यादा गल जाती है और आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके अगर दांतों के नीचे, ठीक नीचे अगर सूजन है तो उसको हम पेरियोपाइकल एब्सेस कहते हैं, तो उसको आप ठीक करवा सकते हो RCT के थ्रू, वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। तो उसको लेके आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, वो एक एक्सरे करते हैं, आपका चेकअप करते हैं और उसके बाद में आपका जो इलाज होता है वो शुरू कर देते हैं। आप एक बार इलाज करा लेते हो उसके बाद में आपको इस दांत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये वीडियो देख के आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों के साथ ऐसी ही प्रॉब्लम है, आपको इसका इलाज करवाना चाहिए, तो अपने आसपास के किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको हमसे इलाज करवाना है, अगर आप हमारा अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मवाद हो रखी है या उनके जो मसूड़ा है वो सूज रखा है, उनके दांतों में थोड़ा इन्फेक्शन हो रखा है और वो किसी डर के वजह से वहाँ नहीं जा रहे कि ये ठीक हो सकता है नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके जितने भी कन्फ्यूज़न है वो सारे क्लियर हो सके। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। Thank you.